होता है, लेकिन बाथरूम सारे में 10-10 लड़के उसमें खड़े हो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो गाइस, आज हम जा रहे थे बिहार, और बिहार जा रहे थे और ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो आपका ये ट्रेन है, और इस ट्रेन में अभी मैं जा रहा था। तो आज का मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था, तो इस ट्रेन में यानी स्लीपर क्लास में इतना ज़्यादा भीड़ होना ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये आज की नहीं, ये सदियों से चलते आ रही है कि बिहार के लोग से और बिहारियों से हमेशा ये भेदभाव होती है। तो कभी भी आप टिकट बना लो बिहार के लिए नहीं मिलेगा, यानी स्लीपर क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये बिहार के लोग जा रहे हैं बिहार जाने के लिए, और ये पटना जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपको ये स्लीपर क्लास का हालत है। लोग खड़े होकर जा रहे हैं, और जहाँ तक नज़र गिराएंगे ये देखिए, आप देख सकते हैं इनको, ये स्लीपर क्लास में जा रहे हैं। और बिहार के नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत, ये देखिए हालात इससे भी बस से बुरा हाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग, और ये आपको संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस नाम से ये ट्रेन है, और ये पटना जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग अभी 8-9 बज रहे हैं, और इतना ज़्यादा भीड़ होने के कारण आप देख सकते हैं बहुत बुरा हाल है। हमेशा बिहार के साथ और बिहारियों के साथ हमेशा भेदभाव होता है, क्योंकि आप कभी भी बिहार के टिकट कराते हैं और करते हैं तो आप एक बार बिहार जाइएगा, ट्रेनों में इसी तरह बस से बुरा हाल हो जाता है। और इसके प्रति ना सरकार कोई एक्शन लेती है, इसका हमेशा पब्लिक इसका शिकार होती है, हमेशा पब्लिक को ही झेलना पड़ता है। ये पैसा देते हैं 1000 रुपये का टिकट, ये प्रीमियम तत्काल कराए हैं और रिजर्वेशन करा कर भी आदमी देखिए कैसे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये टिकट वाले हैं, और मैं इनको अभी मैं इनसे बात कराऊंगा, और इससे पहले मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे नज़ारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिहार जाने वाले के हालात है, और इसके प्रति सरकारें कोई एक्शन नहीं लेती है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा आदमी जाता है, बिल्कुल कोच कोच के भरा हुआ है, और ये एक्सप्रेस है, ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है जो पटना जाती है, और गाड़ियों का हालात इतना बुरा हाल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं बात कराऊंगा, अभी इनसे बात करता हूँ सीधे। तो ये हालात हमेशा ऐसा ही बना रहता है, इसके पास कुछ आप कहना चाहेंगे? तो रेल मंत्रालय को बताना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति ऐसी आज पहली बार नहीं है। मैं 10-12 साल से यहाँ आ रहा हूँ दिल्ली, और जब भी आता हूँ तो इसी तरह का भीड़ भरा हुआ रहता है, और खड़े होने का, पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। स्लीपर जो है वो जनरल से भी बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन बाथरूम सारे में 10-10 लड़के उसमें खड़े हो जाते हैं, हर तरह की दिक्कत होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैं रेल मंत्रालय से ये आगाह कराना चाहता हूँ, बिहार सरकार से, कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इसका निदान किया जाए, खास करके बिहारियों के साथ जो दो रंगी नीति होती है इसको यथासंभव निदान किया जाए, और कैबिनेट में इस चीज़ पर चर्चा किया जाए। धन्यवाद। तो मैं फिर दूसरे भाई साहब से बात करा रहे हैं जो यहाँ पे ट्रेन में मौजूद है, और हालात आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है जो दिल्ली, नई दिल्ली से होकर पटना की ओर जाती है। इसमें तो ऐसा कोई भी पर्व नहीं है जिसमें ये इसमें भीड़ नहीं होती। इतना भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह पर, यहाँ तक जनरल की बात छोड़ो, स्लीपर भी लोग, अभी जो मेरे लोग स्लीपर बोगी है, जिसमें आज दीपावली की पर्व है, इसमें पैर ससड़ने की जगह भी नहीं है, और यहाँ तो लोग कैसे कैसे करके जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ओ भैया, ये लो 5 किस्म चाहिए, दो 5 किस्म चाहिए यार।
और आप देख सकते हैं ये हालात ऐसा बना हुआ है, और आप देख सकते हैं नीचे आदमी ऐसे ऐसे आदमी जाते हैं बैठकर, और ये स्लीपर क्लास है यानी जनरल से भी बदतर है। इसीलिए मैं आ रहा आज का वीडियो बनाना पड़ा, लोग सब व्यवहार करें इसको कुछ है। हमेशा ये बिहार के लोग झेलते आ रहे हैं, तो उनको कठिनाइयों को सहना पड़ता है, मुसीबतें परेशान होती। तो गाइस का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे कल वीडियो के साथ।